गुड मॉर्निंग दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी खैरियत से होंगे इस वीडियो में हम बात करेंगे वुमेन्स टी ट्वेंटी एशिया कप के पहले सेमीफाइनल मैच के बारे में जो कि इंडिया वुमेन वर्सेस बांग्लादेश वुमेन के दरमियान होने वाला है प्यारे दोस्तों इस वीडियो में हम आपके साथ की प्लेयर्स की न्यूज प्लेयर स्टेटस टॉप ग्रांडिंग टीम्स टॉप क्लास कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन रीसेंट परफॉर्मेंस हेड टू तो हेड रिकॉर्ड्स और दोस्तों पिच रिपोर्ट और प्लेयर स्टेटस वन बाई वन लास्ट फाइव मैच में किस प्लेयर ने कितने रन कितने विकेट्स लिए और इम्पोर्टेंट जो प्लेयर्स है ग्रानली लीग के लिए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए हेड टू हेड्स स्मार लीग के लिए और इस मैच के जो फाइनल टीम्स है वो भी आपको मिलेंगे हमारी टेलीग्राम चैनल पर जिसके लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी प्यारे दोस्तों इस वीडियो में भी हम आपको टॉप क्लास थ्री ग्रांड लीग टीम्स का प्रिव्यू दिखाएंगे ये पहला सेमीफाइनल मैच है जो कि दोस्तों इंडिया वुमेन और बांग्लादेश वुमेन के दरमियान होने वाला है इंडिया वुमेन की बात करेंगे दोस्तों टोटल तो अगर इस एशिया कप लीग की बात करेंगे तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है वही बांग्लादेश वुमेन की बात करते हैं दोस्तों ये भी आपको ग्रुप बी में दूसरे नंबर पर देखने को मिल जाएगी तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो मैच है ये भी दोस्तों जहां पर सारे मैच खेले गए वहीं पर ये भी खेला जाएगा और इस ग्राउंड में दोस्तों 130 प्लस दोस्तों स्कोर तो होने वाला है और साथ ही साथ दोस्तों सुपिन डिपार्टमेंट को यहां पर यानी सुपनर्स उसको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है और बैटिंग भी काफ़ी अच्छी होती है टीम इंडिया की बात करते हैं इन्होंने तीन मैच खेले और तीनों के तीनों मैच में दोस्तों कामयाबी हासिल की वहीं बांग्लादेश वुमेन की बात करते हैं इन्होंने तीन में से दोस्तों दो मैच में कामयाबी हासिल की है ये बेहतरीन दोस्तों यहाँ पर मुकाबला होने वाला है और उसके बाद पाकिस्तान वर्सेज श्रीलंका के दरमियान भी दोस्तों मैच होने वाला है दोनों टीम्स की अगर हम इस बात करें तो यहाँ पर टीम इंडिया जो है दोस्तों ये बहुत ही स्ट्रांग टीम देखने को मिल जाएगी दोनों टीम्स में विनिंग की परसेंटेज की बात करेंगे तो साठ परसेंट से भी ज़्यादा टीम इंडिया के जीतने के चांसेस है और फाइनल में क्वालिफाई करने के चांसेस है 130 प्लस एवरेज स्कोर है और लास्ट फाइव मैच की बात करते हैं सिर्फ 13 विकेट पेसर्स ने लिए हैं और 30 विकेट दोस्तों सुपिन डिपार्टमेंट को मिले हैं जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया हेड टू हेड की बात करते हैं दोनों दो टीम्स के दरमियान टोटल 11 हेड टू हेड मैच हुए जिसमें टीम इंडिया ने 10 मैच जीते हैं और बांग्लादेश ने सिर्फ एक मैच में कामयाबी हासिल किए इससे तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर भी टीम इंडिया दोस्तों आपको जीते हुए नजर आ जाएगी अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट जो किसने कितने रन और किसने कितने दोस्तों विकेट लिए हैं टीम इंडिया की तरफ से देखा जाए तो

मोस्ट्री 58 वही आर मोनी की बात करें इसने भी 50 रन और एस खातून ने भी दोस्तों 44 फोर का स्कोर किया है यहाँ पर कैप्टनसी ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं इंडिया टीम इंडिया की तरफ से दोस्तों ये जो ऑप्शंस हैं ये सारे ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए क्योंकि दोस्तों ये जो है बहुत ही बेहतरीन है और उसी वक्त फॉर्म में भी चल रहे इनकी तरफ से दोस्तों आर खातून जो है एम खातून कैप्टनसी के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी वही दोस्तों यहाँ पर आर मोनी या एस खातून को आप ट्राई कर सकते हो ठीक है अब बात करते हैं दोस्तों नीचे वाले प्लेयर्स इंडिया की तरफ से एस शेवर ने भी 94 फोर रन का स्कोर किया हालांकि इनको खेलने का मौका नहीं मिला इसने लास्ट मैच में 10 रन बनाए थे और इनकी तरफ से भी दोस्तों ये कुछ प्लेयर्स हैं जो कि दोस्तों बॉलिंग भी करते हुए आपको नजर आ जाएंगे अब दोस्तों बात करते हैं विकेट्स की लास्ट फाइव मैच में डिप्टी शर्मा ने नौ विकेट्स निकाले वही आर खान ने भी दोस्तों नाइन विकेट्स निकाले पी वस्ट्रकर ने नाइन विकेट्स निकाले एन अख्तर ने सात विकेट निकाले आर यादव आठ विकेट्स वही दोस्तों एफ खातू ने तीन विकेट निकाले एस पटेल सात विकेट आर मोनी तीन विकेट आर सिंह ठाकुर पाँच विकेट एस नहार जयसिम ने तीन विकेट निकाले एस आशा ने चार विकेट और वही एम अख्तर ने तीन विकेट निकाले यहाँ पर बेहतरीन ऑप्शन की बात करते कैप्टनसी के लिए डिप्टी शर्मा पी वेस्टकार और इनकी तरफ से आर खातून और नीचे देखा जाए तो ऑलराउंडर एफ खातून पे भी ट्राई किया जा सकता है अब दोस्तों बैटिंग ऑर्डर की बात करते हैं हालांकि टीम इंडिया का पिछले मैच में बैटिंग ऑर्डर चेंज हुआ था शिफाली वर्मा और यहां पर मुझे लगता है दोस्तों इसके साथ जो है डी हेमल्टाना या फिर दोस्तों जो है स्मृति मेहंदा आपको खेलते हुए नजर आ जाएगी ठीक है ये दो ऑप्शन और उसके बाद जो है यहाँ पर तीसरे नंबर पर जो है आपको दोस्तों जे रोगीज़ भी खेलते हुए नजर आ सकती है और या फिर उसके बाद हरमंदप्रीत कौर खेलते हुए नज़र आ जाएगी आर गोश खेलते हुए नज़र आ जाएगी डिप्टी शर्मा ये इनका बैटिंग ऑर्डर है इनकी तरफ से डी अख्तर एम खातून खेलते हुए नज़र आ जाएगी उसके बाद एन सुल्ताना एन मोस्ट्री ये जो है इनका बैटिंग ऑर्डर है अब हम दोस्तों टॉप क्लास थ्री लीग टीम्स का आपको प्रयोग दिखाना चाहेंगे प्यारे दोस्तों टॉप क्लास टीम्स का प्रयोग रेडी है वन बाय वन टीम का आपको प्रेम दिखाते हैं और उम्मीद करते हैं आप कॉपी नहीं करोगे आपको फाइनल टीम्स हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे तो चलिए वन बाय वन टीम पर नज़र डालते हैं पहली टीम पर दोस्तों नजर यहां पर डालेंगे तो विकेट कीपर सेक्शन में एक ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा एन सुल्ताना और बैटर्स की सेक्शन में देखा जाए हरमनप्रीत कौर शिफाली वर्मा एम खातून स्मृति मेहंदाना यहाँ पर ड्रॉप की है हमने कैप्टन की बात करते हैं शिफाली वर्मा जो कि दोस्तों टॉप क्लास फॉर्म में चल रही है वही दोस्तों डिप्टी शर्मा बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग तीनों तरीके से आपको पॉइंट मिलेंगे इसको वाइस कैप्टन बना दिया है अभी तक इन मैच में देखा जाए तो ढाई से भी ज़्यादा पॉइंट इसने स्कोर किए हैं और नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बॉलिंग सेक्शन में ज़्यादा ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है ये काफ़ी लो स्कोरिंग मैच हो सकता है क्योंकि यहाँ पर इन पर प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा होगा एन अख्तर को पिकअप किया आर यादव ए रेड्डी और आर खान को यहाँ से दोस्तों मैंने लिया है कैप्टन वाइस कैप्टन आप चेंज करके यहाँ पर भी इसको वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो इसको वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो या फिर दोस्तों यहाँ से इन में से किसी एक को वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो ये भी सारे इस वक्त अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं दूसरे टीम पर नज़र डालते हैं दूसरी टीम में विकेट कीपर सेक्शन में कोई चेंज नहीं यहाँ पर देखो देखा जाए तो स्मृति मेहंदाना को पिकअप किया है जो कि वाइस कैप्टन रखी है और एम खातून जिसने दोस्तों लास्ट मैच में काफ़ी अच्छी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दिखाई थी और सुपर क्लास बैटिंग की थी इसलिए इसको मैंने दोस्तों बैटिंग ऑर्डर में बैटिंग सेक्शन में कैप्टन बना के रखा है वही यहाँ पर देखा जाए तो कोई चेंज नहीं किया है लेकिन नीचे आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिल जाएगा यहाँ से दोस्तों मैंने आर सिंह को पिकअप किया जो कि एक फ़ास्ट बॉलर है तो इसलिए दोस्तों आप चाहो तो इसके बदले किसी दूसरे ऑप्शन के साथ जा सकते हो या फिर यहीं पर दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन आप चेंज कर सकते हो वाइस कैप्टन इसको भी ट्राई कर सकते हो या फिर आप इन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो ठीक है आप चाहो तो आप तो इन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो या फिर एन अख्तर या आर खान के साथ भी जा सकते हो अब बात करते हैं दोस्तों टीम नंबर लास्ट नॉट लीस्ट फाइनल टीम्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम पर इसमें दोस्तों आप देख सकते हो जो स्मृति मेहंदाना है हरमनप्रीत कौर है उनको बाहर कर दिया है यहाँ से दोस्तों टी हेमल था लथा इसको पिकअप किया है क्योंकि लास्ट मैच में इसने ओपनिंग की थी शिपाली वर्मा के साथ अगर इस मैच में भी दोस्तों इसने ओपनिंग की बहुत कम लोग इसके साथ जाएंगे एज़ ए कैप्टन तो मैंने इसको पिकअप किया पी वस प्रकार को मैंने लिया है क्योंकि दोस्तों बॉलिंग बैटिंग हर मैच में तकरीबन इसने विकेट निकाला है बैटिंग भी करते हुए आपको नजर आ जाएगी और इसमें मैंने थोड़े से ज़्यादा इनके बॉलर लिए हो सकता है अगर टीम इंडिया कहीं से फिसल गई तो अगर इन्होंने ज़्यादा विकेट लिए तो फिर ये जो मिडल ऑर्डर है ये नए प्लेयर्स है ये दोस्तों यहाँ पर अच्छा रोल निभा सकते हैं ठीक है, है? इसलिए मैंने इसको ट्राई किया है अब दोस्तों हम मिलेंगे टेलीग्राम पर जब तक के लिए आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत बाय बाय एंड दस्ट अफ लक